हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती के बारे में आपको ऑफिशियल नोटिस बताने वाला हूं। आप देख पा रहे होंगे यहां पर NHM ऑफिशियल न्यूज। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए NHM की बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है जो कि आप देख सकते हो। आज ही की न्यूज है दोस्तों, अभी हाल ही की, जो कि किसमें न्यूज आ रही है, दैनिक न्यूज ज्योति जो पेपर आता है उसी के अंदर न्यूज आई हुई है। बहुत ही बड़ी, 22 जुलाई से पहले जारी होगी आपकी कट ऑफ। तो कट ऑफ सूची जारी हो जाएगी 22 जुलाई से पहले पहले। बड़ी खबर है दोस्तों, विद्यार्थियों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। तो दोस्तों 22 जुलाई से पहले पहले यहाँ पर आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रेस नोटिस देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। तो चलते हैं ऑफिशियल जानकारी पूरी देख लेते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि NHM से जुड़ी प्रत्येक खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पर, नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए 22 जुलाई तक कट ऑफ जारी करे हाई कोर्ट। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है हाई कोर्ट ने कि कट ऑफ जारी कर दिए गए यहाँ पर 22 तारीख से पहले पहले, साफ निर्णय दिया गया। देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 17 जून की सूची के माध्यम से बुलाए गए अभ्यर्थियों का आवश्यक मटेरियल भी ऑनलाइन प्रकाशित करने के निर्देश। देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 17 जून की सूची के माध्यम से बुलाए गए अभ्यर्थियों का आवश्यक मटेरियल भी ऑनलाइन प्रकाशित करने के निर्देश। बड़ी खबर है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर, जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय के 6557 पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया में चिकित्सा विभाग द्वारा मनमाने तरीके से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने तथा सार्वजनिक रूप से कट ऑफ तथा अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट आदि के बारे में जानकारी नहीं देने की गंभीर को से लिया। तो यहाँ पर गंभीरता से लिया, इस बारे में विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई न्यायाधीश अरुण भंसाली ने लिखित टिप्पणी करते हुए लिखा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का होना आवश्यक है, इसलिए अप्रार्थी चिकित्सा विभाग नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कथित रूप से अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से बुलाया जा रहा है कि कट ऑफ जानने का हक है, इसलिए अगली सुनवाई 22 जुलाई से पहले कट ऑफ जारी करें। वह अब तक 17 जून 2019 को जारी हुई सूची के माध्यम से बुलाए गए अभ्यर्थियों के वांछनीय डॉक्यूमेंट आदि के बारे में ऑनलाइन पर जानकारी डालने के निर्देश दिए हैं। तो इस मामले में याचिकाकर्ताओं दिनेश कटारिया, दिलीप कुमार शर्मा व विमल त्रिवेदी आदि ने अधिवक्तागण डॉक्टर नुपुर भाटी व अधिवक्ता यशपाल किलेरी ने याचिका दायर करते हुए 30 मई 2018 को विज्ञप्ति जारी कर निकाली गई नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 6557 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया। अधिवक्ताओं के ने इस बारे में अप्रार्थी विज्ञापन विभाग द्वारा 23 जून 2019 को जारी सर्कुलर के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि वह की भर्ती प्रक्रिया में केवल दस्तावेज सत्यापन ही किया जाना था, इसलिए विभाग ने आयुक्तों को में से मनमर्जी से अभ्यर्थियों को बुलाया। यहाँ पर देख सकते हो, बड़ी खबर है दोस्तों, यहाँ पर केवल डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था, इसलिए उन्होंने मनमाने विद्यार्थियों को बुला लिया, जिससे विद्यार्थियों को यहाँ पर किसी को, जिनकी योग्यता नहीं थी उसको भी नौकरी मिल गई और जिनकी योग्यता थी उनको नौकरी नहीं मिल पाई। यहाँ पर बड़ी खबर थी दोस्तों, NHM से संबंधित देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती से संबंधित। तो आप देख सकते हो, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6500 प्लस थी, देख सकते हो यहाँ पर 6557 पदों पर वैकेंसी थी। अब दोबारा कट ऑफ जारी होगी और आप दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मौका मिलेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि साफ कर दिया है उन्होंने बिल्कुल, अब सही तरीके से की जाएगी ये भर्ती। धन्यवाद दोस्तों।